लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का ऋण चुका के जाना है। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहां पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं, और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अब अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन, जरतुआही। जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं। जाए मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गाँव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा, आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब के चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डेलिमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ये चल रहा है, अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज़ जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उसे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितनों अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है। यहाँ पर कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूरत नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है,
वो मुसीबत ही आती है बड़े जिन लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और अभी डिजिटल इंडिया आ गया, सबके हाथ में मोबाइल हो गया। एक चीज़ अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे, बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों से कभी मत घबराइएगा, ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड मेकअप करके रखिएगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, इन लोग को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा। क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा, बस भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, मतलब काना फूसी में रह जाता था, लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीज़ों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीज़ें। जैसे हम आपको एक छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं, जब बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये चीज़, मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है, 10 दिन 15 दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है। फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है, और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर के बर्बाद कर देगा आपको। हम निकला है छोड़ दीजिएगा उसको, एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग, अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए भैया इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप जो है वो एकदम परफेक्ट है, चाहे जैसे भी। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पर जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए, आप आएंगी चीज़ों को, हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। यहाँ पे शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है, और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है, आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था आदमी, बिना किसी काम का किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो चार को चीज सुना देता था, यार ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी, कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चलाया। आप तो आपको भी पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानी है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि
भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा, कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, अरे क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा बस उधर घसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य, एक चीज हम लोगों ने गलती किया आजादी के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है, ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। यहाँ पर हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकती थी। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई थी, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद, पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है, तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहां पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बहने हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते, अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अब फिर घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहां से। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर अब देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है आप, जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए, जो बोले हैं जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर, एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए, एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को हमारा, आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं आपके। ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, ओकरा कौन सी का ठोकर लगने वाला है।
और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुरे लिए कौन जी का संडे यार, काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में, रियल में। एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना, तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, आप इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहाँ पर, तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो, एक काम बस मेरा एक महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे चले जाते हैं। तो क्या 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते 8:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहें एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहाँ काम करने गए ना उनके में से। हम कहे नहीं, यही इस गड़बड़ है, आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच के देखो। तो कहे आई क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं एकदम। हम भाई देखे तो एक महीना काम करके देखो, बस तुम वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुँच जाता था, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर देता था बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे, 1-2 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है, 1-2 मिनट लंच के खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-2 मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं ना, ये बहुत उटपटांग बात बता रहे हैं आप। हम तो भैया एक महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते हैं। आज के टाइम पे जब वो एक महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया कि यार कितना ईमानदारी से ये काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या कहते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2-3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डील डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को, तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो साइड कर देगा, और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बाबू तुम खुद चौपट किया आपने। दो तरह के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, क्योंकि खान सर आ रहे हैं आपके हर सवाल की बॉल पे मारेंगे 6, आपकी कंफ्यूजन को कर देंगे एकदम फिक्स। खान सर आपको अमेजिंग सवाल जवाब में चर्चा करेंगे। एक और मैं आपको फ्री में जबरदस्त आइडिया दे रहा हूं, अगर आपके बिजनेस में कोई सवाल है और उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया, चाहे वो कैश फ्लो का है, मैन पावर का है, बिजनेस में जे कर्व लाने का है, नया कस्टमर लेकर के आने का है, कॉम्पिटिशन को बीट कर देने का है, नई टेरिटरी, नया मार्केट, नया रिटेल आउटलेट, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैं होलसेलर बनना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ना ई कॉमर्स पर जाऊंगा, मेरे पास मैन पावर नहीं आती, टिकती नहीं, अरे पेमेंट की दिक्कत आ रही है, अरे पीछे पैसा फंस गया, मुझको लोन कैसे मिले, इतनी तरह की समस्याएं। इस पर तो कोई सवाल है आपका,
तो मैं उसका फ्री में आंसर दूंगा। आपकी कन्फ्यूजन सोल्यूशन मेरा, हिंड्रेंस आपकी, गाइडेंस मेरी, रियल टाइम दूंगा। आप ही की भाषा में, हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, गुजराती में पूछ लो, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस वीडियो को शेयर करिएगा खान सर के और हैशटैग यूज़ करिए आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कोई संकोच नहीं, मेरे संग कोच है, आपको क्या बोलना है, आपको कोई संकोच नहीं, आपके संग कोच है, कोच कौन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाना है और जाकर के जो भी बिजनेस का सवाल है मुझसे पूछना है, पैसे नहीं लगेंगे। 5 सवालों के उत्तर तो फ्री दूंगा, उसके बाद आपका मन करे तो आप आगे हमारा कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका 24 घंटे 7 दिन का कोच हूँ। हाँ, आप कोई ज़रूरी नहीं आपको पैसा खर्च करना है, 5 सवालों के जवाब आपको फ्री दूंगा। लिंक पे जाओ, अपना सवाल पूछो और मुझसे डायरेक्ट आंसर लो। अब सुनते हैं वो जवाब जो कि खान सर देने वाले हैं। धन्यवाद खान सर, आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर ले जाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं शायद, इंटरेस्ट ना हो तो खैर थोड़ा सा। तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो, उस चोट्टे ने गोली चला दिया, लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर, गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी, न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद 1919 की घटना है, 1940 में उधम सिंह, भारत का वह वीर अमर रहे उधम सिंह, जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के उधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे वहां पर। और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझ आ गया मेरा नाम क्या है। इस देश का इतना गौरवपूर्ण इतिहास अगर हम भूलेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, और उन शहीदों के लिए ये एक शर्म की बात हो जाएगी। उनकी आत्मा को उस दिन गर्व महसूस जब हम सब अपनी जाति धर्म मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे यहां पर। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया यहां पर। आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो सुन लिया आपको जवाब, मेरा नाम क्या है, I am Indian. हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मारो, आज बदली है रखती है जान। मेरी एज अभी 21 है, ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया है। तो मैंने चाणक्य की नीति पढ़ी थी, तो चाणक्य की नीति में चाणक्य जी एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि जंगल में जो टेढ़े पेड़ होते हैं वो बाद में कटते हैं, लेकिन जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो तुरंत कट जाते हैं। तो आप मतलब तो समझ गए होंगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें, मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। देखिए, समझिए ध्यान से, जैसा देश वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं तो प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है, एक जैसा नहीं। हाँ, अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए हम लोग।
और हम लोग रहते हैं वास्को डिगामा को बांध के मारते पहले। मैं 3 विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और वर्तमान में कानपुर देहात में सबसे टॉप में विद्यालय है। मैं चाहता हूँ कि उस संस्था को प्रदेश और देश लेवल पर ले जाऊं, तो क्या उसके लिए सुझाव चाहता हूं आपसे? सर थोड़ा सा एक चीज करिएगा, आप संस्था को टॉप या संस्था को बेहतर से बेहतर, आप एक कोशिश कीजिएगा कि संस्था में पढ़ रहे वाले बच्चों को टॉप करा दे बस वो बच्चे टॉप रहने चाहिए। सर हमारी संस्था में जाएंगे वो गोदाम था, अनाज रखने वाले गोदाम को हम क्लासरूम बनाए हैं। हमारे यहाँ लगभग 200-250 लड़के जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। हमने कभी संस्था पे ध्यान ही नहीं दिया, जब भी ध्यान दिए बच्चों पे ध्यान दिए। तो सर एजुकेशन में वो करना है कि वो बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने आगे जाके।